सो बेटा हमारे पास जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो है हमारे पास टिश्यू। चैप्टर नंबर 5 जो था वो बेस्ड था सेल के ऊपर। अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है टिश्यू। ये टिश्यू क्या चीज होती है बेटा? ये टिश्यू होती है कलेक्शन ऑफ सेल। जितने भी सेल्स होते हैं ना बेटा, जब वो आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, जब वो आपस में एक साथ आ जाते हैं, तो उससे बनता है टिश्यू। उससे बनता है टिश्यू। आप इसको ऐसे देखो, हमारी बॉडी जो है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? सेल। यानी कि उसके लिए बेसिक, सबसे बेसिक चीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सेल की। फिर वो जब सेल आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, जब आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो उससे बनता है बेटा टिश्यू। फिर ये जो टिश्यूज होते हैं, जब ये आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे बनता है बेटा हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, या ऑर्गन्स कह सकते हो, या ऑर्गन सिस्टम कह सकते हो। तो इस तरीके से आप यहां पे देखोगे कि जो सेल हमने चैप्टर नंबर 5 में कवर किया था, जब उन सभी सेल्स को मैं आपस में जोड़ देता हूं, तो वो बनते हैं टिश्यू। बट क्या कोई भी सेल आपस में जुड़ जाता है? क्या कोई भी सेल आपस में कंबाइन हो जाता है? तो आंसर है नो बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल आपस में कंबाइन हो जाता है। डिपेंड करता है बेटा कि जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सेल होते हैं ना, वो ही आपस में ज्वाइन होते हैं, और वो ही ज्वाइंट होके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। फिर वही टिश्यू जब आपस में, स्पेसिफिक टिश्यू जो एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, तो वो जब आपस में जुड़ते हैं, तो फिर वो बनाते हैं हमारे बॉडी का ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमें टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। हमें देखना है कि एनिमल्स में किस टाइप के टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स में किस टाइप के टिश्यूज होते हैं। चैप्टर छोटा है बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें आएंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं बाद में, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को समझना है। अगेन चैप्टर छोटा है, 7-8 पेजेस का चैप्टर है, बट प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी बातें हैं इस चैप्टर में, इतनी सारी बातें हैं कि बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है बेटा। इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या बता रहे हैं। कह रहे फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। कह रहे लास्ट चैप्टर के अंदर हमने कवर किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना बेटा, वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। जो कि जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिनके पास एक सिंगल सेल होता है, और वो सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अमीबा, अमीबा के एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर चाहे चलने का हो जाए, चाहे खाना खाने का हो जाए, चाहे गैस को एक्सचेंज करने का हो जाए, चाहे वेस्ट को एक्सक्रीट करने का हो जाए, ये सारे के सारे काम एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देर आर मिलियंस ऑफ सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और वो सभी सेल स्पेशलाइज होते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। वो सभी के सभी सेल क्या होते हैं बेटा? स्पेशलाइज होते हैं कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारे सेल स्पेशलाइज होते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। अब हर स्पेशलाइज फंक्शन ना अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल करते हैं। मैंने अभी आपको बेटा ऊपर बताया था कि जितने भी सेल हैं वो सारे क्या रैंडमली ग्रुप बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेल अपना ग्रुप बना लेते हैं। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। अब क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ सेल बेटा बन रहा है, वो सारे एक ही सिंगल काम को परफॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं, तो इसलिए काम ना काफी अच्छे से करते हैं, काफी एफिशिएंटली करते हैं। जैसे कि मान लो हार्ट को पंप करने का काम है, तो हार्ट को पंप करने के लिए जिन भी सेल्स की जरूरत है, वो सारे सेल इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। उनका काम ही यही है कि वो हार्ट को पंप करेंगे, तो वो सारे सेल एक साथ मिल जाएंगे और मिलकर फंक्शन को परफॉर्म कर लेंगे। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नर्व सेल कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फंक्शंस बता दिए हैं। कह रहे जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो नर्व सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि ये गर्म चीज है, तो आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो, क्योंकि अगर आप अपना हाथ वहां से नहीं हटाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसलिए नर्व सेल क्या करते हैं, आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, और इमिडिएटली आप अपना हाथ वहां से क्या करते हो, हटा लेते हो।
इसी तरीके से ब्लड भी क्या करता है बेटा, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जिसके लिए अलग अलग सेल्स की जरूरत है, हमें अलग अलग सेल्स की जरूरत है उस काम को करने के लिए। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं बेटा, इसका मतलब प्लांट के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिविजन ऑफ लेबर। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं, यानी कि इसके अंदर सेल को अलग अलग काम दे दिया जाता है बेटा, और वो अलग अलग फंक्शन उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं। देन सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। अब ये मैंने अभी आपको बेटा बात बताई थी कि जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल होते हैं बेटा, ये जनरली आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, और आपस में एक साथ जुड़ के जो है ना फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि हार्ट को पंप करना है, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है ना, दिल धड़कता है, तो वैसे उस वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे सेल ना हार्ट में जाके मिल जाएंगे, ठीक है, और मिलके एक हार्ट बना देंगे, एक दिल बना देंगे, और दिल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस, सारे सेल मिलके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, यानी कि उसको पंप करवाएंगे। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्लस्टर ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, क्लस्टर का मतलब होता है बेटा ग्रुप। इसका मतलब हमें एक काम को करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ सेल की जरूरत पड़ती है जो एक ही जगह पे इकट्ठे होके उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू इज अरेंज एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो कह रहे कि ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसी को हम टिश्यू बोल रहे हैं, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को कर पाए। जैसे कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये कुछ एग्जांपल हैं बेटा टिश्यू के, ये कुछ एग्जांपल हैं बेटा टिश्यू के। ये टिश्यू क्या है, अभी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ सेल, बड़े सारे सेल का ग्रुप। जब ये सारे सेल मिल जाते हैं तो फिर ये ब्लड बना देते हैं, ये फ्लोएम बना देते हैं, ये मसल्स बना देते हैं, और फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो यहाँ पे देखो आपको टिश्यू की डेफिनेशन आ रही है, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये। तो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। तो कह रहा है जब ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, जब वो आपस में मिलके किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी काम को पूरा करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, एक टिश्यू बोल रहे हैं। यानी कि वो जो ग्रुप ऑफ सेल है वो ही क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ टिश्यू है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल होते हैं, क्या उनके अंदर सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं? सेम टाइप के टिश्यूज का मतलब हो गया सेम टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल का ग्रुप है वो क्या सेम टाइप का होता है? तो अगर मैं इन जनरल बात करें तो आंसर है नो। कैसे सेम हो सकता है बेटा, प्लांट्स एक अलग तरीके से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है और एनिमल्स अलग तरीके से करती है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देखो, हम एनिमल्स जो है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि साइंस जब भी आप पढ़ोगे उसमें जब भी एनिमल वर्ड आएगा ना तो उसमें ह्यूमन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अब जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन तो मूवमेंट करता है, क्या प्लांट मूवमेंट करता है? क्या प्लांट मूवमेंट करता है? नहीं करता। या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं जाता। तो आप इसी से देख लो, ह्यूमन मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ह्यूमन में एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो उसको मूवमेंट करने में मदद कर रहा है, बट प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन बोला कि क्या ये सेम टाइप के होते हैं? तो आंसर देखो वैसे तो बड़ा बड़ा है नो, बट हमें इनकी लैंग्वेज को भी रीड करना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं, क्यों ये सेम नहीं है। ये तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि ये कभी सेम नहीं हो सकते। एनिमल के टिश्यू अलग टाइप के होते हैं, प्लांट्स के टिश्यू अलग टाइप के होते हैं, बट इनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि क्या ये सेम होते हैं या अलग होते हैं। सो लेट अस कंपेयर दीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे हैव, दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? तो इनको कंपेयर करवाएगा इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन से कि इनका क्या स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें कंपेरिजन देखना है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे कंपेरिजन। So, क्या बता रहा है बेटा यहाँ पे, कह रहा है देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन टू। दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंस है बेटा जो नोटिसेबल है, जो देखते ही पता चल जाते हैं। जैसे कि क्या,
कह रहे हैं प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव. प्लांट स्टेशनरी या फिक्स होते हैं. स्टेशनरी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ बेटा, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, जो एक ही जगह पे क्या होता है, रुका रहता है. तो प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पे रुके रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं. सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. अब कह रहे हैं क्योंकि इनको एक ही जगह पे सीधा खड़े रहना होता है, इसका मतलब इनके अंदर इस टाइप के टिश्यू होंगे जो इनको खड़े रहने में सपोर्ट करते होंगे. अगेन वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स को एक ही जगह पे सीधा खड़े रहना पड़ता है, तो इसलिए इनके अंदर ऐसे टाइप के टिश्यूज होंगे बेटा जो इनको सपोर्ट करते होंगे खड़े रहने में. जबकि एनिमल में तो ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं होता. क्या हमारे एनिमल में कोई ऐसा टिश्यू है जो सिर्फ हमें खड़े रहने में सपोर्ट करता रहे? नहीं, हमारे में तो मूवमेंट करने में भी मूवमेंट करने वाला भी टिश्यू है, जबकि एनिमल में प्लांट्स में तो ऐसा नहीं है. तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, द सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैज डेड सेल. ये जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये डेड सेल्स होते हैं. अब पेपर में वन मार्क में आ सकता है कि जो प्लांट्स के अंदर सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? तो आंसर है नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि डेड सेल्स होते हैं, वो मर चुके होते हैं. ठीक है, तो ये आपका पहला इसने प्लांट का बताया. अब इसी को एनिमल से कंपेयर करेगा. जबकि एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट्स एंड शेल्टर. जबकि एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. उसका घूमने का रीजन क्या है, हो सकता है वो खाने की तलाश में हो सकता है वो मेट की तलाश में हो. मेट होता है मतलब उनका जो हम सफर बनेगा, जो उनका लाइफ का पार्टनर बनेगा, तो वो अपने मेट को ढूंढते रहते हैं. या शेल्टर, शेल्टर का मतलब कहीं रहने की जगह, तो उसको वो ढूंढते रहते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स. इनकी इनको ज्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के कंपेरेटिवली. एनर्जी कहां से मिलती है, खाने से. इसलिए एनिमल को ज्यादा खाने की जरूरत है ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन हो सके और फिर वो उस एनर्जी से अपने सारे काम कर सके. जबकि प्लांट्स में उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो एक ही जगह खड़ा रहता है, तो उसको क्या ही इतनी रिक्वायरमेंट होगी. जबकि एनिमल को चाहिए, एनिमल को बहुत चाहिए. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, तो मेरे को तो एनर्जी चाहिए ना. मेरे को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज खानी पड़ेगी जो मुझे ताकत देगी. इसी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो या आप लोग घर पे पढ़ते होगे या कुछ भी और करते होगे काम, तो आपको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती होगी. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग. इसलिए हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना, इसके अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं मोस्टली सारे लिविंग होते हैं, ये डेड नहीं होते. तो नेक्स्ट कह रहे बेटा, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. अब यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस बता रहा है कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं और एनिमल में अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें वो एग्जांपल ले रहा है बेटा इनकी ग्रोथ का. अब प्लांट्स की ग्रोथ का क्या सिस्टम होता है, पहले मैं थोड़े अपने वर्ड्स में बताता हूँ. देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट जैसे ये मान लो ट्री है, तो ट्री के अंदर सारे जो पार्ट्स होते हैं ना वो ग्रोइंग पार्ट नहीं होते. मतलब कि वो ऐसे पार्ट नहीं होते जो ग्रो होते रहेंगे. मतलब ऐसा होता है कि ट्री के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, जबकि दूसरे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक टाइम के बाद भी ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. अगेन मैं रिपीट करूं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि प्लांट के अंदर जो ग्रोइंग पैटर्न होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी ग्रोथ रेट रोक देते हैं. मतलब कि उनका वो बॉडी पार्ट फिर ग्रो नहीं करेगा. जबकि कुछ ऐसे सेक्शन भी होते हैं प्लांट के अंदर जो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. अब जो प्लांट, जो सेक्शन प्लांट का ग्रो नहीं करता उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. उसके अंदर कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू. नाम से पता चल रहा है परमानेंट, परमानेंट का मतलब फिक्स हो जाना. तो जो सेक्शन प्लांट्स के अंदर ग्रो नहीं करता उसके अंदर हमें परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं. जबकि प्लांट के अंदर जो एरिया ग्रो करता रहता है उस टाइप के टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उस टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये नाम आपको याद रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो ग्रो करता रहता है प्लांट्स को, और परमानेंट टिश्यू वो होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है. तो ये प्लांट्स का हमारा ग्रोइंग पैटर्न हो गया. कि ग्रोइंग पैटर्न कैसा है इसका, कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं वो ग्रो करना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं, और कुछ सेक्शन होते हैं जो टाइम टू टाइम ग्रो होते रहते हैं. तो उसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता. एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो पूरी की पूरी या तो बढ़ती है या तो रुक जाती है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, जब आप बच्चे होते हो, छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे आप 3 ईयर्स के हो, अब 3 ईयर्स के बाद आप 10 ईयर्स के हो गए, तो
आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो हर एरिया से इक्वली प्रोपोर्शनेट के साथ होती है, यानी कि आपका फेस भी बड़ा होगा, आपके हाथ भी बड़े होंगे, आपकी लेग्स भी बड़ी होंगी, आपका मिडल पार्ट भी बड़ा होगा, सब कुछ बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे कि ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ कुछ ऐसे हो रही है कि जैसे मान लो ये तो आपका मिडिल पार्ट हो गया, तो आपकी एक टांग बहुत बड़ी होगी और एक टांग छोटी सी रहेगी, एक हाथ बहुत ही बड़ा हो गया एक छोटा सा रह गया, क्या ऐसे ग्रोथ होती है हमारी? नहीं, हमारी इक्वल प्रोपोर्शनेट के साथ होती है, यानी कि हर जगह से इक्वली हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हमारे हाथ ग्रो हो रहे हैं तो दोनों इक्वली ग्रो करेंगे, पैर ग्रो हो रहे हैं तो दोनों इक्वली ग्रो करेंगे, इस तरीके से ग्रोथ होती है। जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर कोई भी सेक्शन कभी भी ग्रो कर जाता है, एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो फिर पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसका अपर पार्ट जो ना वो तो छोटा सा हो और जो लोअर पार्ट है वो इतना बड़ा हो? मतलब ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर उसकी टांगे बड़ी होंगी ना तो उसके हाथ भी बड़े होंगे, तो फिर उसका मिडिल पार्ट भी बड़ा होगा। अब जैसे खली है, खली आपने देखो ना, द ग्रेट खली, तो ग्रेट खली का क्या है, वो उसकी हाइट 7+ है, तो क्या खली का ऐसा है कि उसके हाथ छोटे से हैं और टांगे बहुत बड़ी सी हैं? ऐसा तो नहीं है ना। अगर उसकी टांगे बड़ी है तो उसके हाथ भी बहुत बड़े, फिर उसका मिडिल पार्ट भी बहुत बड़ा है, फिर फेस भी बहुत बड़ा है। ठीक है, हर जगह से वो इक्वली मतलब प्रोपोर्शनेट से बढ़ रहे हैं। वो कुछ ही रेयर केसेस होंगे जिसके अंदर फेस छोटा रह जाएगा बॉडी बढ़ जाएगी, या फेस बड़ा हो जाएगा बॉडी छोटी हो जाएगी, वो कुछ ही केसेस होते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हम सबकी ग्रोथ जो है वो इक्वल अमाउंट से होती है, अपनी अपनी मतलब बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स का कोई भी सेक्शन बढ़ जाता है कोई भी सेक्शन नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ का डिविजन रहता है हमारे यहाँ पे। तो इसको रीड करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अलग जो एक और जो डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे वो है ग्रोथ के बेसिस पे। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना वो सर्टेन रीजन में होती है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो स्पेसिफिक सेक्शन में होती है, हर जगह नहीं होती है, हर जगह नहीं होती है। वाइल दिस इज नॉट इन, दिस इज नॉट सो इन एनिमल। ये एनिमल में ऐसा नहीं होता, एनिमल में अगर ग्रोथ होगी तो फिर पूरी बॉडी की होगी। ठीक है, क्या कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है, जैसे जो एक साल का बच्चा है, मान लो एक साल तो चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, मान लो अगर अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी है तो वो छोटा सा बेबी होता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, तो जब वो बड़ा होता है तो क्या ऐसा होता है बड़ा होते हुए कि पहले फेस बड़ा हो रहा है बाकी पार्ट छोटा सा ही है, फिर एक हाथ बड़ा हो रहा है फिर दूसरा हाथ बड़ा हो रहा है, फिर एक टांग बड़ी हो रही है फिर दूसरी टांग, ऐसे होता है क्या? नहीं, इक्वली ग्रो कर रहा होता है वो धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं कि प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ सर्टेन रीजन होते हैं जो ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल अगर ग्रो करेगा तो पूरी तरीके से ग्रो करेगा। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन। अब ये टिश्यू हर जगह नहीं मिलेंगे, ये प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन में मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and a permanent tissue. तो अगर कह रहे हैं कि अगर हम इनकी growth के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे दो type के plants के अंदर tissue देखने को मिलेंगे, एक meristematic tissue, एक permanent tissue. Meristematic tissue वो होगा जो continuously grow करता रहेगा plants को, उनकी growth करता रहेगा, और permanent tissue जो होता है वो उनकी growth को क्या करता है, fix कर देता है, यानी कि उसके बाद और grow नहीं होने देता। Plants के अंदर ऐसा होता है कि कुछ सेक्शन ग्रो करते रहते हैं लगातार लगातार लगातार, और कुछ सेक्शन फिक्स हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि एक हाथ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, दूसरा रुका हुआ है, और एक टांग बढ़ती जा रही है और दूसरी रुकी हुई है, ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि एनिमल में, प्लांट्स में ऐसा होता है। सेल्फ ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। देखो वो क्लियर कर दिया, कह रहे हैं सेल ग्रोथ इन एनिमल, एनिमल में जो ग्रोथ होती है ना सेल की, वो मोर यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मोर यूनिफॉर्म का मतलब सेम तरीके से होती है, हाथ पैर सब सेम तरीके से ग्रो करेंगे। सो देर इज नो सच डेमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। तो कह रहे हैं इस टाइप का जो डिविजन हो रहा है ना वो एनिमल में नहीं होता, मतलब कि कुछ पार्ट डिवाइड होंगे कुछ पार्ट नहीं होंगे, ऐसा हमारे एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। देन बेटा आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमें कह रहे हैं द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल
देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट. तो अब आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्पेशलाइज होता है. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है ना हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, लंग्स है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन जो है ना स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने काम को करने के लिए. ऐसा प्लांट्स के अंदर नहीं होता, हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है. एनिमल के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो अपने अपने स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं जितना हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है. हमारे ह्यूमंस के अंदर तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गन्स जो है बेटा अलग अलग फंक्शन को फिर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड. तो अगर हम बात करें बेटा और इनके डिफरेंस की, तो इन दोनों का जो फीडिंग मेथड है, फीडिंग मेथड का मतलब जो खाने का तरीका होता है, वो भी टोटली अलग अलग है, वो भी टोटली अलग अलग है. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर. कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर? कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं स्टोमैटा से. स्टोमैटा क्या होता है बेटा? जैसे ये लीव्स है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा. वहां से गैसेस जो है एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर, तो वहां से इनको प्लांट्स लीव से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है. पानी इनको कहां से मिलता है? सॉइल से मिल जाता है. जब हम सॉइल में पानी डालते हैं तो सॉइल से पानी ले लेते हैं, और फिर सनलाइट से सनलाइट ले लेते हैं. क्लोरोफिल इनके अंदर पहले से कंटेन होता है, और बस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ये अपना खाना बना लेते हैं. जबकि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो प्रॉपर खाना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, और फिर वो पूरा का पूरा एक डाइजेशन वाला प्रोसेस चालू हो जाता है. तो इनका फीडिंग मेथड भी क्या बेटा, टोटली डिफरेंट है. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड contribution to this differences in organ system design. और एक और जो सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो प्लांट्स है ना वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे रुके रहते हैं, वो एक ही जगह पे क्या करते हैं बेटा, रुके रहते हैं. जबकि एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो एक्टिव लोकोमोशन होते हैं. एक्टिव लोकोमोशन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में मूवमेंट चलती रहती है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको इन दोनों के टिश्यूज के अंदर या बॉडी डिजाइन में देखने को मिलेगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट टिश्यू के क्या क्या टाइप्स हैं, और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं और एनिमल टिश्यू के क्या क्या टाइप हैं. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में बेटा पढ़ना होगा. तो प्लांट टिश्यू में हमारे पास काफी सारे क्लासिफिकेशन है, इसकी काफी सारी चीजों में बटा हुआ है. तो प्लांट टिश्यू मेजरली दो पार्ट में बटा हुआ है. पहले यहाँ पे बेटा आप देख लो फिर बनाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बनाना स्टार्ट कर दो और पता चले कि आपके पास स्पेस कम रह जाए. तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का बेटा, सबसे पहला है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा टाइप का प्लांट होता है प्लांट टिश्यू बेटा परमानेंट टिश्यू. मीनिंग वगैरह हम इनके एक एक करके क्लियर करेंगे. अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये सीख रहे हैं कि प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है. तो प्लांट टिश्यू में दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट, ये मेजर क्लासिफिकेशन है. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल, और एक होता है इंटरकैलरी. ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक है? परमानेंट टिश्यू का क्या है, परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. एक सिंपल परमानेंट इशू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू. फिर ये सिंपल फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल जो है फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगेन बेटा पहले देख लेना, बनाना मत. सो ये होता है बेटा पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा नाम है इसका. दूसरा होता है बेटा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये एच है काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा. तो तीन कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. फिर ये जो ये सिंपल के हैं बेटा, अभी ये सिंपल के हैं, कॉम्प्लेक्स के भी पढ़ेंगे. तो सिंपल के पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होते हैं क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और एक होता है बेटा इसमें एरेन्काइमा, एरेन्काइमा.
ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, इनको ध्यान से देखो, ये कॉलन है, ये क्लोरिन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलन क्लोरिन में, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के आ गए। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो होते हैं बेटा, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा चार्ट यहां पे बन के आ रहा है जो हमें पढ़ना होगा।